एवरीवन, वेलकम अगेन इन लंगवे देतीमन। एक और नई वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि परमानेंट पोस्ट यहां पर रहेंगी और साथ में कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। एयरफोर्स स्कूल जो शिक्षक भर्ती से ये विज्ञापन जारी हुआ है और आवेदन जो है वो 25 अगस्त तक आप लोग कर पाएंगे। तो अभी काफी टाइम है आप लोगों के पास। सैलरी यहाँ पर मैक्सिमम 28,500 रुपए तक आपको मिलेगी। कोई फीस जो है एप्लीकेशन में आप लोगों की नहीं ली जाएगी। इसके साथ में आप लोगों का कोई एग्जाम नहीं होगा। क्वालिफिकेशन के बेस पर आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए, कंप्लीट डिटेल के लिए नोटिफिकेशन में देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ये कंप्लीट नोटिफिकेशन 3 पेजेस का दिया हुआ है, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ इन एयरफोर्स स्कूल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर बेस पर भी वैकेंसी है प्राइमरी ट्रेन्ड टीचर की। अभी जो नियम लागू हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि बीएड वाले जो है वो प्राइमरी में अब जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे, बट ये जो नोटिस है ये कुछ समय पहले का है, तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल मान्य होगा, बीएड वाले प्राइमरी ट्रेन टीचर के लिए एलिजिबल है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो अभी का नहीं है, आज का नहीं है, कुछ समय पहले का है। तो यहाँ पर जो है प्राइमरी ट्रेन्ड टीचर जो है वो रेगुलर रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। 28,500 जो है यहाँ पे स्केल रहने वाली है। स्पेशल एजुकेटर जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रहेंगे, जो कि फुल टाइम और पार्ट टाइम जो है वो दोनों ही यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, बीएड यहाँ पर जो है मांगा गया है प्राइमरी ट्रेन्ड टीचर के लिए। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, 14,000 सैलरी के साथ में। इसके साथ जो है वो अन्य वैकेंसी भी है, हेल्पर मेल या फीमेल के लिए जो है यहाँ पर रेगुलर 13,000 सैलरी रहेगी। अभी क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम के साथ में, और यहाँ पर मांगा गया है बीएड। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर में बीएड मांगा गया है, ग्रेजुएशन साथ में। इसके अलावा भी अन्य जो है आप लोगों के पास विकल्प है यहाँ, बीएड जनरल में अगर आपने किया है विद 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में तो भी एप्लीकेशन कर पाओगे। बीएड जनरल 2 साल का अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कई चीजें हैं यहाँ पर। बीएड जनरल विद पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपने किया है और डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। और भी चीजें जो है आप लोग कंप्लीट जो है वो पढ़िएगा जब आप एप्लीकेशन करेंगे। किसी भी एप्लीकेशन कहीं भी जो है वो आप लोग करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से जो है वो पढ़ना जरूरी होता है, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। अगर आपने 12th पास जो और 2 साल का डीएड स्पेशल एजुकेशन किया है तो भी आप स्पेशल एजुकेटर के लिए जो है एप्लीकेशन कर पाओगे। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के लिए 12th मांगा गया है, साथ में अगर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में और यहाँ पर जो है कंप्यूटर नॉलेज जो है वो आपकी मांगी गई है। इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ लैब कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ बीई बीटेक जो है वो मांगा गया है, या फिर आपने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक के साथ या ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक या इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो भी आप यहाँ एलिजिबल हैं। हेल्पर मेल या फीमेल, जहां पर मैंने आपको बताया सैलरी जो है इनको 13,000 मिलेगी और ये परमानेंट है, रेगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आया पीएन गार्डनर स्वीपर जो भी हैं यहाँ पर इनको हिंदी इंग्लिश जो है वो मांगी गई है। यहाँ लिखा है कि शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको बोलना लिखना पढ़ना जो है वो आना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है यहाँ पर स्पेशली एमएस ऑफिस जो है वो आपको आना चाहिए, ये मांगा गया है। यदि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज नहीं है और आप प्राइमरी टीचर के लिए या स्पेशल एजुकेटर के एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई करें। एज जो है यहाँ पर कहा है कि सीरियल नंबर 2A से लेकर D तक 21 से लेकर 50 साल तक जो है वो रहने वाली है, और वुमेन कैंडिडेट और फिजिकल चैलेंज जो कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा। ए और डी तक यानी कि यहाँ पर प्राइमरी ट्रेन टीचर, स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट और स्टेम लैब कोऑर्डिनेटर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो हेल्पर की जो वैकेंसी है उसमें 21 से 40 साल तक जो है रहेगी। अब जो है कैसे जो है सिलेक्शन होगा, तो यहाँ कोई एग्जाम नहीं होगा, एप्लीकेशन के लिए कोई फीस नहीं लग रही है। यहाँ पर आप लोगों को जो है क्वालिफिकेशन के बेस पर शॉर्टलिस्टेड करेंगे और उसके बाद जो है आप लोगों को ईमेल के माध्यम से आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या करना है, कैंडिडेट आर टू सबमिट पोस्ट हार्ड कॉपी। ठीक है, तो हार्ड कॉपी ऑफ रिज्यूम या सीवी, यानी अपना जो बायोडाटा है रिज्यूम जो है वो आप तैयार कर लें। हार्ड कॉपी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर भेजनी है, सॉफ्ट कॉपी यहाँ नहीं चलेगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके साथ में 1 covering letter स्टार्टिंग द पोस्ट अप्लाइड फॉर विद कम्प्लीट कॉन्टेक्ट डिटेल, जिसमें आप प्रेजेंट एड्रेस,
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है वो लिखेंगे। वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल द रिलीवेंट एजुकेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट फ्रॉम 10th, 10वीं से लेकर आगे की जितनी भी यानी आपने क्वालिफिकेशन गेन की है उनकी सभी की जो है वो सेल्फ अटेस्टेड खुद के साइन किए हुए फोटो कॉपी जो है वो आपको इसमें लगानी है। साथ में जो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो हाल ही की जो फोटोग्राफ है वो आपको लगानी है, और फिर आपको सबमिट करना है ये आपका एड्रेस रहा, ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप लोगों को पोस्ट कर देना है, ठीक है, बाय पोस्ट भेजनी है आप लोगों को। सॉफ्ट कॉपी विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्ट कॉपी जो है वो नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाई अबाउट द डेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू ईमेल। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, अगर कोई भी आप लोगों को पूछताछ करनी है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस पर जो है वो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है आपने देखा एड्रेस दिया गया है, तो ये वैकेंसी जो है वो कहाँ की है, बेंगलुरु की है। अब जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कहाँ पर जो है आप लोगों को ये सारी चीजें जो है नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगा, तो इसकी जो मेन वेबसाइट है, ये इसकी मेन वेबसाइट है एयरफोर्स स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल दिखाई दे रहा है होम पेज पर ही है वैकेंसीज, इस पर जो है वो आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो करियर सेक्शन का ये पेज आपके साथ ओपन हो गया, वैकेंसी क्लिक हेयर, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है और ये नोटिस जो है वो दोबारा से दिखाई देने लग गया। तो ऐसे जो है वो आप लोग आराम से एप्लीकेशन करेंगे, सबसे पहले इसको रीड करना है अच्छे तरीके से, फिर जो है वो अप्लाई करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।